अस्सलामुअलैकुम। आज आपको ये नेथन रोड मोंको के एरिया का टूर कराते हैं, तो आए चलते हैं नेथन रोड मोंको आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं नेथन रोड मोंको, आज छुट्टी का दिन नहीं और फिर भी इतनी रश है, तो आप अंदाज़ा लगा लें अगर छुट्टी का दिन होगा तो फिर क्या हालत होगी। तो आप इस रश को देखते जाएं। और इस वक्त दिन के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, कोई ऑफ आवर भी नहीं है कि इतनी रश हो। आप देख सकते हैं बसें भी फुल जा रही हैं, शॉपिंग मॉल भी फुल हैं क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, तो हर जगह सेल लगी हुई है और जो शॉप्स जहाँ से ऊपर हैं उनके भी यहाँ लोग खड़े हैं पोस्टर लेके, तो वो आपको बताते हैं कि आपको ऊपर कहाँ पे कौन से फ्लोर पे जाना है जहाँ से आप परचेज कर सकें। ये आप देख सकते हैं जो लोग चाइना से शॉपिंग के लिए आते हैं तो साथ में बक्से लेके आते हैं, क्योंकि हांगकांग में उनको जेन्युइन क्वालिटी मिलती है जो चाइना में नहीं मिलती, और या अगर वहाँ मिलती है तो यहाँ से डबल कीमत पे होती है, तो ये लोग यहाँ आके खरीदारी करके वहाँ ले जाके बेचते हैं। और इशारे पे कितने लोग इस साइड पे और कितने उस साइड पे इंतजार कर रहे हैं ये आप देखें। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं तकरीबन पिछले एक वीक से बादल नजर ही नहीं आ रहे, सॉरी सूरज नजर नहीं आ रहा, बादल ही बादल हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दिनों में इतनी गर्मी भी नहीं है। ये मोंकोक सबवे है या MTR या ट्रेन अंडरग्राउंड जिसको बोला जाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। लोग पैसे निकाल रहे हैं, ATM पे लाइनें लगी हुई हैं। ज्वेलरी शॉप भी आप देख रहे हैं बिजी है, हर ज्वेलरी शॉप में कोई ना कोई घुस रहा है, और ये ज्वेलरी शॉप की डिस्प्ले देखे हैं। सब ज्वेलरी शॉप आपको देखे, एक के साथ एक लगी हुई ज्वेलरी शॉप मिल रही है, और ये कोई गोल्ड मार्केट नहीं है, लेकिन यहाँ शॉपिंग इसी तरह होती है।
मेडिकल शॉप बैंकिंग सेमी प्रेशियस स्टोन मार्केट है, मार्केट नहीं शॉप है। यहाँ दूसरा सबवे का एग्जिट शायद यहाँ किसी ने एम्बुलेंस कॉल की है तो मोबाइल एम्बुलेंस और मेन एम्बुलेंस दोनों खड़ी हैं। फिर आपको ज्वेलरी शॉप रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर से ब्रिज है। यहाँ एलिवेटर से भी ऊपर जाके आप रोड दूसरी तरफ क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ सीधा भी क्रॉस हो सकता है। उस साइड पर रश देखे ट्रैफिक का, कितनी बसें जाम लग रहे हैं ट्रैफिक में। यहाँ पे ये टिपिकल छोटा सा आउटलेट और साथ में मनी चेंजर। ये लोग बसों के लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। हांगकांग की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर आदमी लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी पे ही बस पे सवार होता है। ये नहीं है कि हम मतलब ताकत में है तो आपसे पहले बस पे सवार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर आदमी अपनी बारी का इंतजार करता है। ये अंडरग्राउंड क्रॉसिंग है, यहाँ से अगर उस साइड पे जाना है तो, वैसे जाना तो उसी साइड पे है लेकिन शायद हम आगे से क्रॉस करते हैं। नॉर्मली रास्ते पे ऐसे इजाज़त नहीं होती लेकिन जब इनका चाइनीज न्यू ईयर रहता है तो आप देख सकते हैं ये लोग रास्ते पे बैठ के भी चीज़ें देखने वालों को अलाउ कर देते हैं या मतलब नज़रअंदाज करते हैं, उनको पकड़ते नहीं हैं। Thank you.
यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं करते हैं, और ये देखें ट्रैफिक अपोजिट साइड कितनी जाम है। इसलिए हांगकांग में गाड़ी रखना अपने लिए कान देखने के बराबर है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए और इससे भी अच्छी वीडियो बना के लाऊं। आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।